कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन ये शातिर दुल्हन जिस भी घर में गई वहां की लक्ष्मी लूट कर रफू चक्कर हो गई। हाथों में मेहंदी, घर में शहनाई की गूंज और बैंड बाजा बारात। जी हाँ, शादी हर घर परिवार और युवक युवती की जिंदगी का सबसे हसीन सपना होता है, लेकिन इन सपनों की आड़ में कोई फरेब की इमारत लिखनी शुरू कर दे, जिंदगी के ख्वाबों को बेचना शुरू कर दे तो खुशियों का उजड़ना लाजमी है। मुरादाबाद सिविल लाइन्स थाने में चेहरा छुपाए बैठी युवती को देख लीजिए, यह शातिर दुल्हन है जिसने कई घरों को लूटा है। कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन ये शातिर दुल्हन जिस भी घर में गई वहाँ की लक्ष्मी लूट कर रफू चक्कर हो गई। मुरादाबाद पुलिस ने पूजा नाम की इस लड़की को इसकी मौसी के साथ बरेली के बहेड़ी इलाके से पकड़ा है और उसकी एक कथित बुआ, दोनों ने खाने में कुछ मिला दिया था जिससे परिवार के कई सदस्य बीमार हो गए थे और रात में उनके कुछ सामान लेके घर से गायब हो गई थी, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन पे मुकदमा पंजीकृत। दरअसल पिछले महीने में थाने में हरथला कॉलोनी निवासी एक परिवार ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिस महिला को बहू बनाकर लाए थे। अगले ही दिन परिवार को बेहोशी की दवा खिलाकर लाखों की नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गई। पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों की तलाश में जुट गई और तकरीबन एक महीने की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रेमी दुल्हन को पकड़ लिया। अगर उनका नाम वेरीफाई हो जाता है तो फिर उनको भी कानून कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से शादी कराते हैं? इनका काम यही था कि अगर कोई शादी करने के लिए जो जिसकी शादी नहीं हो रही है उसे संपर्क करते थे, अगर वो तैयार हो जाता था तो उसकी शादी किसी मंदिर या कहीं इस तरह करा देते थे, रात में एक दिन दो दिन। ये पुलिस के मुताबिक संजय नाम के युवक से पूजा ने 22 जुलाई को झांसा देकर मंदिर में शादी की थी और फिर अगले ही दिन नशीली चाय पिलाकर वारदात को अंजाम दिया। उस रात दुल्हन की कथित मौसी भी घर आई थी, ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी पूजा अपनी बहन और मौसी के साथ मिलकर पिछले कई महीने से एक रात की दुल्हन बनकर लोगों के सपने लूट रही थी। कर रही, लेकिन पूछताछ जारी है, अगर कहीं और इस तरह का इसका गतिविधि इन्वॉल्व होती है तो संबंधित थाने को सूचित किया जाएगा। अभी बरामदगी कुछ नहीं हुई है, इनको अरेस्टिंग किया गया, अभी कुछ लोग इसमें और इन्वॉल्व है उनकी तलाश जारी है। आरोपी पूजा के खिलाफ पागरा में भी कई केस दर्ज हैं। उसके और साथी भी उसके साथ हैं, जो शातिर भाई और रिश्तेदार बनकर सीधे साधे परिवार वालों को शादी का सपना दिखाकर फंसाते थे। फिलहाल दुल्हन पुलिस के साथियों की तलाश में जुटी है ताकि लूटे हुए माल की व सामान की बरामदगी हो सके।